आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव व राजा सूरजमुख की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से सूर्यदेव की कृपा से जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं व मान यश की प्राप्ति होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में सूरजमुख नाम का राजा राज्य करता था। राजा अपने नाम की तरह भगवान सूर्यदेव का भक्त था और भगवान सूर्यदेव की भी राजा पर विशेष कृपा थी। राजा प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा करता, उनको अर्घ देता, फिर राज्य व प्रजा के कार्य देखता। राजा सूरजमुख न्यायप्रिय व प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाला राजा था। राजा राज्य से होने वाली आय का कुछ हिस्सा ही अपने पास रखता था, बाकी सब प्रजा के कार्यों पर खर्च कर देता। अपने पास रखने वाले धन को भी वह अपनी पत्नी मालती और माँ को दे देता था, जिससे कि वह घर परिवार का गुजारा भली भांति चला सके। राजा सूरजमुख अपने जीवन में कर्म को ही प्रधान मानता था और अपनी पत्नी व माँ को भी यही शिक्षा देता था कि जो धन तुम्हारे पास है उसे भली भांति खर्च कर परिवार का पालन करो, धार्मिक बनो, पूजा पाठ करो और दान धर्म का कार्य करो। लेकिन वह दोनों राजा की नहीं सुनती थी। वह अक्सर राजा से कहती कि राज्य से प्राप्त होने वाले धन पर उनका ही अधिकार है। राजा उन्हें बहुत समझाता पर उन पर कोई असर ना होता। धीरे धीरे उनके खर्चे बढ़ते गए और एक समय ऐसा आ गया जब राजा द्वारा दिया गया धन उनके लिए कम पड़ने लगा। एक दिन परेशान होकर दोनों सास बहू राजा सूरजमुख के पास दरबार में पहुंच गई। दरबान ने जाकर कहा, महाराज, आपकी माता वे रानी मालती आपसे मिलना चाहती हैं, परंतु उनकी हालत बहुत खराब है। राजा ने सोचा, आधा धन मैं इन्हें देता हूँ और आधा प्रजा के कार्यों पर खर्च करता हूँ, फिर भी इनकी ऐसी दशा कैसे हो गई। राजा ने उन्हें बुलाया। दरबार में पहुंचकर माँ ने कहा, बेटा, हमारा धन तो खत्म हो गया, ना जाने धन में बिल्कुल ही बरकत नहीं है, ना हमारे पास भोजन है और ना ही वस्त्र। राजा ने कहा, मैं आधा धन आप लोगों को देता हूँ और आधा प्रजा के कार्यों पर खर्च करता हूँ। प्रजा इतनी सुखी है और आप लोग दुखी, इसका क्या कारण है? तब राजा ने सूर्यदेव की प्रेरणा से प्रेरित होकर उन दोनों को समझाने के लिए एक तरकीब सोची। राजा ने अपनी माँ और पत्नी को खेलने के लिए चौसर दी और कहा कि आप लोग कल से हर रोज 5 घरों में जाकर हर एक के साथ ये चौसर खेलना और फिर घर आकर घर का कार्य करना। अगले दिन बहू चौसर खेलने के लिए पहली पड़ोसन के पास गई और जाकर बोली, आओ मेरे साथ खेलो। पड़ोसन कहने लगी, रानी साहिबा, मुझे माफ़ करना, मुझे पानी लेने जाना है। आप तो राजा सूरजमुख की पत्नी हो, आपको क्या कमी है? हम अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? फिर वह दूसरी पड़ोसन के पास गई, उसने भी वही कहा, माफ़ करें, मुझे चूल्हा चौंका करना है।
तीसरी ने कहा, मुझे खेत पर काम के लिए जाना है। चौथी पड़ोसन ने कहा, मुझे अभी पूजा पाठ करना है। पांचवी कहने लगी, मुझे बच्चों के लिए भोजन बनाना है, वे घर के अन्य कार्य करने हैं। इस तरह वह सारा दिन इधर से उधर फिरती रही। कोई भी उसके साथ चौसर खेलने को तैयार नहीं हुआ। दिन ढल गया, वह घर वापिस आई। सास ने पूछा, बहू खेल आई? बहू ने कहा, मेरे साथ खेलने का किसी के पास समय नहीं है, हर कोई अपना कार्य करने में व्यस्त है। तब सास बहू ने विचार किया कि क्यों ना हम भी सब की तरह सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ वे अपना कार्य किया करें। अगले दिन से ही दोनों सास बहू जल्दी उठ स्नान कर राजा की तरह पूजा पाठ करने लगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर कथा कहानी कहने लगी। वे घर के अन्य कार्य करने लगी। देखते ही देखते अब उनके यहाँ भी हर वस्तु में बरकत होने लगी। एक दिन वे दोनों फिर से दरबार में पहुँची और माँ ने अपने बेटे से कहा, पुत्र हम तो अब बहुत सुखी हो गई हैं। तुम जो धन हमें देते हो अब उसमें बहुत बरकत होती है। तुमने हमारी आंखें खोल दी और सूर्य देव की कृपा से अब हमें अन्न धन की कोई कमी नहीं है। तब राजा सूरजमुख ने अपनी माँ व पत्नी से कहा, धन चाहे कितना भी हो अगर हम आलस करेंगे तो वह घटेगा। घर का कार्य स्वयं करने से, पूजा पाठ करने से, दान धर्म करने से धन में तो बरकत होती ही है, साथ ही आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। ऐसा कहकर राजा सूरजमुख भगवान सूर्य देव को प्रणाम करते हुए अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया। बोलो सूर्य देव भगवान की जय। बंधु, भगवान सूर्य देव की कृपा आप पे, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।